स्वर भी हर ताल भी, सुर भी हर सांस भी, बस राम है, बस राम है। अयोध्या की इस नगरी के हर कण में अगर कोई स्वर गूंजता है तो वो सिर्फ है जय श्री राम। सरयू नदी किनारे स्थित इस अयोध्या नगरी के बारे में कौन नहीं जानता, किसने नहीं सुना है। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये राम जन्मभूमि है। इसी परिसर में पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म हुआ था और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो गर्भस्थल है जहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा रखी है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 सबसे पावन स्थलों में से अयोध्या एक है। मुझे आज से पहले अयोध्या आने का मौका नहीं मिला, इसलिए आप समझ रहे होंगे मेरी उत्सुकता को इस राम नगरी के चरित्र को समझने के लिए और इस राम नगरी के राम राम के स्वर से आपका स्वागत करने वाले वासियों से मिलने के लिए। इस एपिसोड में करूंगा दर्शन उस भूमि के जो पुराणों के अनुसार मर्यादा पुरुष भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां हर ईंट पर राम नाम है। देखूंगा उस राम मंदिर की कार्यशाला को, जाऊंगा हनुमानगढ़, दुनिया में बजरंग बली का इकलौता मंदिर जहां वो राजा के रूप में विराजमान है। चखूंगा स्वाद अयोध्या के देसी नाश्ते का, दही के साथ जलेबी। जानूंगा हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों को सुंदर बनाए रखने के नमामि गंगे के प्रयासों को। हर की पैड़ी पे तो काम हो ही गया, अब राम की पैड़ी पर काम करने की जरूरत। देखूंगा भगवान राम से जुड़ी गाथाएं अयोध्या के संग्रहालय में। जाऊंगा गुप्तार घाट जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने दिए थे अंतिम दर्शन। जानूंगा सरयू नदी और वहां की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के प्रयासों को। कानपुर से रामनगरी अयोध्या लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम। नमस्कार डॉक्टर मिश्रा। नमस्कार। अच्छा, ये जो मेरे पीछे जो गर्भस्थल है, ये प्रतिमा यहीं पर थी या ये कहीं और से आई? भगवान रामलला मूल रूप से यहीं पर पैदा हुए थे। जो इसके उत्तर में पावन सरजू सलीला का प्रवाह हो रहा है वही ये जन्मस्थली है जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। 5 अगस्त को मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस समय मंदिर की नींव पूरी खुदाई की जा चुकी है। जब तक मंदिर के निर्माण का काम प्रगति पर है तब तक भगवान रामलला विराजमान यहाँ पर हैं। प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु आकर के दर्शन करते हैं। हम दर्शन मार्ग में ही खड़े हैं और जब मंदिर निर्मित हो जाएगा तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा और विधि विधान के साथ भगवान अपने मूल जन्म स्थान पर वहां जाके विराजमान होंगे। तो जितने भी राम भक्त हैं वो जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि कब निर्माण कार्य पूरा होगा। निश्चित रूप से उत्साह है भारतवर्ष में, चारों तरफ से ये हम लोगों को सूचना मिलती है कितनी जल्दी निर्माण हो जाएगा। लेकिन निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। मंदिर को मजबूती के साथ निर्माण करना है 36 महीने के अंदर अर्थात 2023 के समापन तक जहाँ तक संभव है ये भगवान का मंदिर निर्मित हो जाएगा। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम एक सोच है, वो एक सिर्फ भगवान भी नहीं है, वो बहुत विशाल सोच है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं आपसे पूछूंगा मतलब कि आपको क्या लगता है कि भगवान क्या अपेक्षा रखते होंगे अपने भक्तों से? भगवान तो भाव का भूखा है, भक्तों के भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को इसलिए देश के जन जन के बीच में जाना जाता है कि उनका पूरा जीवन मर्यादा से युक्त रहा है, जन जन उसको जीता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ही समाज जीवन को कृतकृत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अयोध्या का जो सफ़र है वो यहीं से शुरू हो रहा है, इससे ज़्यादा
बेहतर मेरे लिए नहीं हो सकता था कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। इस पावन गंगा और सरयू की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपका ये चित्रांकन है, वो सफल हो देश के लिए। अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है सेवा, और अगर राम के ही राज्य में सेवा भाव ना हो तो वो राम राज्य मिथ्या है। राम की सोच को जीवित रखती अयोध्या की यह राम रसोई ना किसी धर्म को देखती है, ना किसी जात पात में फर्क करती है, बस सेवा भाव के उस आदर्श पर चलती है जो राम को अपनाने की दिशा में सबसे पहला कदम है। पौराणिक समय से भगवान राम को आज हजारों साल बाद भी उनके भक्त अपनी आंखों में बसाए हुए हैं। यहां अयोध्या में उनको समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। हर ईंट पर उनका नाम खुदा है और हर सेवा में उनके लिए प्यार मिला है। जन जन इस बात की उम्मीद कर रहा है कि जिस दिन यह राम मंदिर खड़ा होगा, राम राज्य का एक बार फिर सवेरा होगा। अनुभव, ये पत्थर कहां लगने वाला है? ये एक रामलला जो विराजमान होंगे उसके पीछे की दीवार है, आगे पीछे की दीवार है, वहीं सब लगने वाले हैं। अच्छा, तो ये पत्थर कौन सा पत्थर है? ये राजस्थान से आता है, बंसी पहाड़पुर नाम है इसका। कोई कारण था कि इसी पत्थर को चुना गया? इसको लेबोरेटरी में पास किया हुआ है, 1000 साल की इसकी गारंटी है, 1000 साल तक उसको होगा नहीं कुछ। अच्छा, तो 1000 साल तक मंदिर यही टिकने वाला है? बिल्कुल। अच्छा, ये जो कला है इसके ऊपर, ये कौन से कारीगर काम कर रहे हैं? ही भी सोमपुरा, वो भी अहमदाबाद के ही है। सोमपुरा? हाँ, उनके दादा जी ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। अच्छा अनुभव, एक पत्थर को बनने में कितना समय लग जाता होगा? ऐसा है, पत्थर में किसी में 8 दिन लगता है, किसी में 15 दिन लगता है, किसी में 1 महीना भी लगता है, जैसे जैसे नकाशी इसी तरह से टाइम लगता है। तो कितने कारीगर लगे हुए हैं? 150 कारीगर से जी। एक मंजिल का काम पूरा हो चुका है तो 3-4 साल में मंदिर बन जाएगा। तो राम भक्त जितने भी हैं वो 3-4 साल में इस मंदिर को सामने देख सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आओ जो। आगे है, देखूंगा हनुमान जी को राजा के रूप में हनुमान गढ़ी में। दिन भर के लिए तरोताजा होऊंगा दही जलेबी के नाश्ते के बाद। राम की पौड़ी में बात होगी वहां के घाटों को नमामि गंगे द्वारा चित्रकला से उभारने की। अयोध्या के संग्रहालय में जानेंगे वहां का प्राचीन इतिहास। राम का जिक्र हो और संकट मोचन का नाम ना आए, ऐसा कतई संभव नहीं। यहाँ अयोध्या के बीचों बीच स्थित है 10वीं शताब्दी में बना यह हनुमान मंदिर। मानने वालों में यह प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले यहाँ इस हनुमान मंदिर पर शीश झुकाया जाता है। हनुमान जी क्या व्यक्तित्व था, गुणों से भरपूर। उनकी दृढ़ता, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, लंका पहुँचना तो लंका पहुँच गए। उनका बल मानसिक और शारीरिक दोनों, और उसका किस वक्त किस मात्रा में इस्तेमाल करना है वो अच्छी तरह से जानते थे। उनका विनीत स्वभाव, इतना महान होने के बावजूद भी अहंकार का एक कण नहीं था। और सबसे अच्छी बात कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आपको याद है रावण के पुत्र इंद्रजीत ने जब उनकी पूंछ में आग लगाई तो वो मुस्कुराते हुए अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते रहे। इन गुणों में से अगर कुछ गुण भी हम भक्त लोग अपने अंदर संभालेंगे तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी हों हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार सर। भैया इतने लड्डू और इतने प्रकार के लड्डू, मार्केट के शुरुआत से लेके यहाँ तक लड्डू ही लड्डू। यहाँ पूरी मार्केट ही लड्डू की है सर। क्यों है, मैं जानता हूँ। यहाँ हनुमान जी को दर्शन में बेसन का लड्डू ही चढ़ता है। हनुमान जी को लड्डू पसंद है? जी हाँ बिल्कुल। आप हनुमान भक्त हैं, आपने लगा हुआ है सब? जी हाँ। उन्हीं के दरबार में बैठे हैं तो उन्हीं के भक्त होंगे। अच्छा, तो ये बता दीजिए फिर मुझे हनुमान जी की एक ऐसा गुण जो आपको बहुत पसंद है। ईमानदारी। किस तरह की? अपने गुरु के। अपने गुरु के प्रति ईमानदारी, क्या बात है। तो आप भी ईमानदारी से लड्डू बनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए ईमानदारी से मुझे थोड़ा सा लड्डू दे दीजिए, मैं ईमानदारी से जाके चढ़ा दूंगा उनके। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ईमानदारी बनी रहे ऐसी मैं काम में करता हूँ। बिल्कुल, लौट के पैसे देता हूँ। जी हाँ, वो आइए। 76 सीढ़ियों के साथ पवन पुत्र का ये निवास अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पर है, और पूरी दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जहां भगवान हनुमान
राजा के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथा है कि माता सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था और भगवान राम ने जब अपना भौतिक शरीर छोड़ा था तो वो उससे पहले हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना गए थे। मान्यता है यहां विराजे अंजनी पुत्र सबके संकट हरते हैं। इस मंदिर के चार प्रमुख महंत हैं, इनमें से एक राजू दास, उन्होंने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। ये प्रथा पहले से थी या बनी बाद में कि राम मंदिर जाने से पहले यहाँ अपना शीश झुकाया जाता है? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। यहाँ से जब आप देखेंगे तो राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है, तो बिना हनुमान जी की अनुमति का, बिना हनुमान जी का आदेश का राम जी का दर्शन करना कतई संभव नहीं है। और यहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, राजा इसके नाते बनाए गए। लंका में जब जगत जननी माँ जगदम्बा कैद खाने में थी तो वहाँ एक छोटा सा बंदर वहाँ पहुँचा तो माता जी को देखकर अचंभा हुआ कि तुम कैसे, उन्होंने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, परिचय नहीं बताया कि मैं हनुमान हूँ। तब जाके उन्होंने जो है लंका को विध्वंस किया, लंका को जलाया। उसके बाद जब वापस हनुमान जी जब आए तो माता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का, अमरत्व का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का राजाभिषेक होता था, इसके नाते लव और कुश को यहाँ राजाभिषेक नहीं हुआ। लव कुश को मिला काबुल, कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुशावर्त क्षेत्र था वो उनको मिला, बाकी जहाँ स्वयं प्रभु यहाँ विराजमान थे उस जगह पर हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक हुआ है। देखेंगे आप जब दर्शन करेंगे तो हनुमान जी आगे राजा के रूप में बैठे हैं और पीछे राम दरबार है। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान को राज तिलक देने के बाद स्वतः पीछे हो गए, तो यहाँ हनुमान जी अजर अमर हैं। आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, मैं सोच रहा था कि भगवान को अगर हम पढ़ें, उनके बारे में सुने तो कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। जो व्यक्तित्व हनुमान जी का था उनमें जो गुण थे वो गुण भी होने चाहिए। देखिए हनुमान जी जैसा गुण होना तो किसी में कतई संभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज निस्वार्थ भाव से भगवान राम से उनकी कभी कोई अपेक्षा नहीं था। हनुमान नहीं बन सकते लेकिन हनुमान जैसे तो बन सकते हैं। और ठाकुर जी के पढ़े भगवान राम जो मर्यादा का पालन किया, भाई पारब्रह्म परमात्मा हम मानते हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को पारब्रह्म परमात्मा सिद्ध नहीं किया। एक साधारण मानव किस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करता है, किस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि उनकी जब पत्नी का हरण हुआ तो बन बन हाई सीते कर रहे थे। तो कहने का मतलब अगर भगवान श्री राम को अगर जरा सा भी अगर व्यक्ति मनन करे, चिंतन करे तो समझो सारे देश सारे अपवाद खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। वक्त के साथ साथ अगर कुछ चीजों को कभी नहीं बदलना चाहिए तो उनमें से एक चीज है हमारी परंपरागत खाना बनाने और खाने की शैली। अब जरा सोचिए अगर अयोध्या की दही जलेबी का स्वाद बदल जाएगा तो कितना बड़ा अन्याय होगा। तो जब मैं अयोध्या आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ तो हर जगह मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे और अगर भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि खाना खाने के लिए मैं ऐसी वैसी जगह नहीं जाता, वहीं पर हूँ जहाँ पर देसी स्वाद आता। और देखिए अयोध्या में मैंने क्या ढूंढ निकाला, उत्तर प्रदेश का सबसे मनपसंद नाश्ता दही जलेबी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि ये यहाँ मिलता है कुल्लड़ के साथ। नमस्कार सर, सही कहा मैंने? हमारे यहाँ जो दी जाती है वो देसी अंदाज में आपको दिया जाएगा तो उसका खाने का एक टेस्ट अलग भी रहेगा, वो मिट्टी का स्वाद भी आता है। जी जी जी, तो ये इमरती का कंपेयर जो है ये रबड़ी के साथ में होता है। अरे यार आप, और जलेबी का जो है कंपेयर दही के साथ में होता है सर। अब मुझे दही भी खाना है जी और इमरती भी खानी है। आपको हल्का हल्का दोनों बना के दोनों का टेस्ट लीजिए, दोनों खिला दी। तो ये बताइए दुकान कितनी पुरानी है? ये हमारी चौथी पुष्ट है। चौथी पुष्ट जी, अब आपके आशीर्वाद से आपका ये स्टाल जो है जाता है दिल्ली फूड फेस्टिवल में भी। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गया मेरे मुंह में दही और जलेबी। अब समझ में आएगी क्यों लोगों का ये सबसे मन पसंद है। हम दिल्ली में जो प्रोग्राम करते थे सर, जब हम सुबह का अखबार जब पढ़े वहाँ पे अपने बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उसमें लिखा था कि अब अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि के नाम से नहीं जानी जाएगी, अब अयोध्या दही जलेबी के नाम से भी जानी जाएगी। मतलब हमको अपने आप में एक अलग ही फील हुआ। आपका आशीर्वाद। अरे हाँ, तो ये तो हो गया अपना दही और जलेबी, अब रबड़ी और इमरती का भी स्वाद चखी लेते हैं जब आए यहाँ तक। मतलब मेरे
हिसाब से ये ज़्यादा स्वादिष्ट है। वाह 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 वाह। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतनी सारी बातें करने के लिए और मेरा मेरा मुंह मीठा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर, यूं तो कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में बसती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी चित्रकलाएं हैं जो नदी के घाटों और गंगा किनारे स्थित कुछ ऐतिहासिक शहरों से अगर मिल जाएं, तो उसे देखने वाली हर आंख प्रसन्न हो जाएगी। म्यूरल्स क्या होते हैं? म्यूरल्स एक ऐसी कला है जिसे कलाकार दीवारों पर उतारते हैं। अब वो दीवार चाहे घर की दीवार हो, मंदिर की दीवार हो, किसी गढ़ की दीवार हो, ये कलाकार उस कला को इस तरह से वहाँ उतारते हैं कि उस जगह के चरित्र में चार चांद लग जाते हैं। नमामि गंगे गंगा के संरक्षण में तो भरपूर काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ गंगा के तट पर बसे शहरों और घाटों को सुंदर बनाने के लिए उसी नमामि गंगे ने हाथ मिलाया एक ऐसी संस्था के साथ जो ये म्यूरल्स बनाते हैं। मीनाक्षी पायल उसी कंपनी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। क्या पेंट करते हो? इज इट लाइक कोई एक खास चीज़ कोई संस्कृति के ऊपर ही होता है या अलग अलग आइडियाज़ होते हैं? अलग अलग आइडियाज़ हैं, और क्योंकि हम नमामि गंगे के साथ काम कर रहे हैं तो कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा हो जो एजुकेट भी कर दे और सुंदर भी बना दे। फॉर एग्जांपल, जब हम हरिद्वार में थे, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि क्यों हम हमेशा देवी को चार पांच हाथों की तरह देखते हैं उनके उस विराट रूप में, व्हाई नॉट वी सी गंगा एज अ चाइल्ड। सो उन्होंने एक छोटा सा वैसा चित्र बनाया। चंडीगढ़ आपने देखा ही होगा, मैक्सिकन आर्टिस्ट है, वो वहाँ का फ्लोरा फौना वहाँ के मोटिव्स लेकर आए और 100 फुट बड़ा टर्टल जो है उन्होंने घाट पर बना दिया। आपने क्लॉक टावर देखा। मुझे लगता है जो नमामि गंगे जो कर रहा है काम, इट्स अ फिनोमिनल वर्क व्हिच दे आर डूइंग। आप लोग जाके कहीं पे आपने वो म्यूरल्स आपने बनाए और वो मंदिर को मैं एक तरीके से देखता था या उस घाट को मैं एक तरीके से देखता था, उसके बाद मुझे लगे ये क्या हो गया मेरे घाट को, क्या ऐसा होता है? जब हम जाते हैं शुरू में वी आर एन आउटसाइडर, राइट, पर जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो एक कम्युनिटी को इंगेज करना इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द आर प्रोजेक्ट, क्योंकि ओनरशिप उनके पास रहनी है। तो जैसे मैंने बोला कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आते हैं, तो बहुत सारा जो पेंट बच गया हमारा वाराणसी में, गिव इट टू देम, और आप मानेंगे नहीं उस पेंट से उन्होंने आगे वाले घाट भी पोत दिया। तो लोग सीख रहे हैं और कई संस्कृतियों का मेल जो होता है ना, और उससे जब चीज़ें निकल के आती हैं वो अद्भुत है। तो अयोध्या कैसे पहुँचे? राजीव, नमामि गंगे की जो खूबसूरत बात है कि ना वो केवल गंगा मैया पे काम कर रहे हैं पर ट्रिब्यूटरीज पे भी काम कर रहे हैं, और सरयू यहाँ बहती हैं। हर की पैड़ी पे तो काम हो ही गया, अब राम की पैड़ी पर काम करने की जरूरत है। और प्लान ये है कि जब हम आई लेवल पे जब आप चल रहे हैं तो रामायण में जो कांड हैं उनके कुछ हिस्से उठाकर उनको आई लेवल पे लेके आया जाए। तो बहुत सारे कुंड हैं यहाँ पर, कहा जाता है 108 कुंड हैं, 5 पे इस समय नमामि गंगे की योजना है कि उन पर काम किया जाए। इसी तरह गंगा मैया जो है रग रग में हमारे पास है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक सरयू नदी की निर्मलता और अविरलता को बनाकर रखने के लिए नमामि गंगे अयोध्या में भी सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। जब सबसे गरीब आदमी तक सरकार खुद चलकर पहुंचती है तो शबरी की कथा जी उठती है, राम राज्य की परिभाषा की पूर्ति होती है, और फिर कांगड़ा हो या थाईलैंड, सब जगह उस राम की लीला होती है। अयोध्या का संग्रहालय राम के जीवन से जुड़ी देश विदेश की वस्तुएं बखूबी दर्शाता है। साथ ही साथ यहां है पुराने अवध क्षेत्र की खूबसूरत कलाकृतियां। डॉक्टर कुमार, ये जो अवशेष हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कहाँ से मिले? तो ये 1991 से पहले राम जन्मभूमि की जो खुदाई हुई तो उसमें से ये प्राप्त हुआ था। ये बड़े पेडेस्टल पे है, जैसा कि नाम भी लिखा हुआ है वहाँ पे। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही जन्म स्थान से मिला है, और ये जो है उसी के ये अंश और टुकड़े हैं। और ये देख रहे हैं आप, वैसे उत्तरी भारत में नागर शैली चलती है वास्तुकला में जी। दूसरी बात, अवध की कला वास्तु का इस पे असर है, तो ये नागर प्लस अवधि भी है। अच्छा, ये प्रतिमाएं जो दिख रही हैं हमारे पीछे, ये कहाँ से मिली? ये विशुद्ध रूप से अलग अलग जगह से है। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ कलेक्शन है या डिस्प्ले है वो एंशियंट इंडिया से लेके अब तक के है, मॉडर्न के। ज़्यादातर इसमें मध्यकाल के आपको मिलेंगे स्टोन स्कल्पचर है जी। ये जैसे शिव परिवार है लगभग 12वीं शताब्दी का, म्यूनिसिपल म्यूजियम फैजाबाद, ये बेशकीमती है, जस्ट आफ्टर मैरिज शिव और पार्वती। ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ से ये खुदाई में नानपारा बहराइच, ये एक मुखी शिवलिंग, और इसकी शैली जो बनावट है, चूँकि नेपाल है तो आप देख सकते हैं कि नेपाली मुद्रा
थाईलैंड से आया हुआ है। थाईलैंड में देखिए इमेजिन इस तरह का है, राम का लक्ष्मण का रावण का। जैसे रामलीला हमारे विश्व में लगभग 25 देशों से अधिक में होती है। इंडोनेशिया अपने तरह का मुखौटा बनाता है, राम को अपनी तरह से इमेजिन करता है। श्रीलंका में अपनी तरह से करते हैं। तो विभिन्न देशों का दिलचस्प बात इस म्यूजियम की ये कि यहाँ पे सिर्फ राम से जुड़े हुए ही अवशेष नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत मिश्रण है विभिन्न देशों से, आसपास के जितने भी देश हैं। और आगे जाऊंगा उस घाट जहाँ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने ली थी जल समाधि। जानूंगा कैसे अयोध्या के युवा बचा रहे हैं राम की सरयू नदी को। आरंभ है तो अंत भी है, आना है तो जाना भी है। यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का सत्य है, और ये सच अटल है, चाहे वो इंसान हो या फिर खुद भगवान। भगवान राम ने भी प्रकृति के इस नियम का पालन किया और माता सीता के धरती में समा जाने के बाद इसी गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। कौन कैसे मरा ये तो एक घटना है, पर कौन कैसे जिया ये एक संरचना है। जो सागर से भी गहरा हो पर हर बूंद का मान बढ़ाए, और जो दुर्गम व्रतों को भी मुस्कुरा कर पार कर जाए, वही राम कहलाए। अयोध्या का ये गुप्तार घाट बाकी सभी घाटों से भिन्न है, और वो इसलिए क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम आखिरी बार इसी घाट पर नजर आए थे। कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जल में प्रवेश किया और उसके बाद वो गुप्त हो गए, इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ा। सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये तिब्बत के ग्लेशियर से चलकर बिहार के छपरा में 1080 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा में विलुप्त हो जाती है। हम सब जानते हैं कि अयोध्या नगरी सरयू के तट पर बसा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये। और इस समय मेरे साथ में अभिषेक, यूं कहूं कि सरयू के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जी सर। कहां से शुरुआत हुई? 2017 में मुझे यहां पे एक मछली कूदती हुई दिखाई पड़ी और मैंने पूछा कि ये क्या है, तो नाव वाले ने बताया सूस है, गैंजेटिक डॉल्फिन है वो। अच्छा। और यहाँ मैंने और खोजा तो मुझे मिली कि यहाँ पे 118 से 120 हैं, और पूरा वर्ल्ड ओवर का पॉपुलेशन जो है वो कुछ हजार में है। तो मैंने देखा कि इस नदी पे कोई संरक्षण नहीं है, उसके बाद भी यहाँ घड़ियाल हैं। आप यहाँ से 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको घड़ियाल मिलेंगे, मगर मिलेंगे, सूस मिलेंगी। इसकी इकोलॉजी हमारे सामने खराब हुई है, फिशिंग का जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है। ये बताओ कि सरयू नदी को बचाना जरूरी क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरयू नदी की अहमियत क्या है? ये 1080 किलोमीटर लंबी है सर, बट ये गंगा की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम है। इससे ज्यादा जल उत्पादन किसी भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज में, सहायक नदियों में नहीं है, गंगा की शुरुआत से गंगा के अंत तक। और ये ईस्टर्न हिमालय के बिल्कुल स्टीप स्लोप से निकलती है। तो सर अभी इसको बचा पाना एक तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट है, और वो इसलिए है सर क्योंकि ये 507 किलोमीटर नेपाल में है। नेपाल के जिस क्षेत्र से ये निकलती है वहाँ जनसंख्या ना के बराबर है, तो वहाँ तक नदी एकदम स्वच्छ निकलती है। अब धीरे धीरे हमको ये ध्यान देना है कि हम इस नदी में वो गलतियाँ ना दोहराएं जो गंगा में हुई, गोमती में हुई, यमुना में हुई। एक धर्म है जो नदी को माँ बुलाता है, पक्षी और पशुओं में भी भगवान बनाता है सर, तो ये माँ है। हम माँ के लिए ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपका जिम्मा था या आपका जिम्मा था। एंड बिगेस्ट थिंग सर कि दूध के पाउच या शैम्पू के पाउच जब भी हम फाड़ते हैं तो जो कॉर्नर्स निकालते हैं सर, वो कॉर्नर्स इतनी बार मैंने चिड़ियों के गले फंसे हुए देखा है, इतनी बार टॉर्टोइजेस के नोज में फंसे हुए देखा है। दे आर मच मोर हार्मफुल यहाँ पे फिलहाल देन स्ट्रॉस। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? सरयू नदी के किनारे जब आप जो दूध की थैली को फाड़ते हैं और वो जो छोटा सा कोना जब फेंक देते हैं तो वो चिड़ियाँ खा लेती हैं या कछुए जो हैं उनकी नाक में फंस जाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है उनका। खत्म हो जाता है जी सर। मूर्तियों का कुछ नहीं हो पाया, कोई फाइन नहीं है, कुछ नहीं है, आते हैं गिरा के चले जाते हैं। पेंट टॉक्सिक मछलियों को मारती है। ये जो सरयू नदी के किनारे रहते हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा इसको अपनी माँ की तरह, और जिस दिन अपनी माँ को अपना लेंगे शायद उस दिन सब माँ की सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर हम राम को समझेंगे तो ये भी समझेंगे कि राम एक सोच है, जिंदगी जीने का एक तरीका है, और कोई बहुत कठिन या जटिल तरीका नहीं। अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से कमजोर की रक्षा करना, सबके साथ प्रेम भाव रखना, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना, बस मैं ये सोचता हूँ कि अगर अपने भगवान के व्यक्तित्व की कुछ बातें हम अपना लें तो उस भक्ति के मायने बढ़ जाएंगे, और शायद ये
संसार थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये मेरी निजी सोच है। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, अगले एपिसोड में दोबारा मिलूंगा, लेकिन इस बार किसी उम्मीद के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने भगवान को क्या देना है और उनसे क्या लेना है ये आपका निजी मामला है। आप तो बस मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मुझे लगेगा कि मुझे मेरी भक्ति का प्रसाद मिल गया। अनुमति दीजिए, मुस्कुराते रहिए।